ये जो CAA, NPR और NRC के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, मुझे लगता है ये बिल्कुल ही ऐतिहासिक आंदोलन है और अभूतपूर्व भी है। मैंने 1974 से लेकर आज तक देश में जो बड़े आंदोलन हुए वो सारे देखे हैं। मैंने JP का आंदोलन 73-74 का, तब मैं छोटा था लेकिन स्कूल में मैं था 7वीं 8वीं में, तो उसके बारे में पढ़ता था। वो आंदोलन कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, फिर उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती कैसे दी, वो सब मैंने पढ़ा उस वक्त, और उसका बहुत बड़ा असर मेरे युवा मन पर हुआ। उसके बाद मैंने वो VP सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन किया, बोफोर्स का मामला लेके, वो भी देखा। फिर मैंने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा 2011 में, जो रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे अनशन को बैठे थे। ये सारे आंदोलन मैंने देखे और ये आंदोलन ऐसे थे कि 1974 के आंदोलन ने गुजरात में सत्ता परिवर्तन हुआ, चिमनभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उनको जाना पड़ा। फिर बिहार में अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे, उनको भी जाना पड़ा। VP सिंह के आंदोलन के कारण राजीव गांधी को जाना पड़ा और अन्ना हजारे के आंदोलन के कारण मनमोहन सिंह सरकार का पराभव हुआ 2014 के चुनाव में। ये सारे आंदोलन मैंने देखे। ये सारे आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। अन्ना हजारे का आंदोलन लोकपाल के लिए था, लेकिन प्रमुख था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। आज जो आंदोलन हो रहा है CAA, NPR और NRC के खिलाफ, ये आंदोलन इन सब से अलग है। आप अगर साइज का सवाल उठाए तो साइज में भी ये आंदोलन अन्ना के आंदोलन से या JP के आंदोलन से या फिर VP सिंह के आंदोलन से बहुत बड़ा है। पिछले एक महीने से दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन पूरे भारत भर में फैला हुआ है। आप देखो, बड़े शहरों से लेकर छोटे से छोटे शहर तक सब जगह NRC और CAA के खिलाफ लोग मोर्चे निकाल रहे हैं। अभी सरकार ने बार बार कहा कि हम उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, जो कानून हमने बनाया है उसको वापस नहीं लेंगे। फिर भी लोग अपना विरोध बंद नहीं कर रहे, रोज मोर्चे निकल रहे। और मेरे ख्याल से पहले जो आंदोलन हुए, जिन तीन आंदोलनों का जिक्र मैंने कहा किया, उससे अलगपन इसका ये है कि पहले सारे आंदोलन में राजनीतिक पार्टियां थी और युवा बड़े तादाद में थे। JP के आंदोलन में भी युवा शक्ति बड़ी थी, फिर अन्ना के आंदोलन में भी युवा शक्ति थी, लेकिन इस आंदोलन में युवा शक्ति तो है ही, युवा शक्ति के साथ साथ महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है। मैंने कभी इतनी महिलाओं को रास्ते पर आते हुए नहीं देखा है मैंने जिंदगी में। इस बार बड़े कस्बे से लेकर छोटे कस्बे तक सभी महिलाएं रास्ते पर है, और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान इसमें मुसलमानों का होने वाला है, ये तो सच बात है। तो मुसलमानों को रास्ते पर आना ही चाहिए, सरकार का विरोध होना चाहिए। और पिछले 5 साल में मुसलमानों पर जो अत्याचार मोदी सरकार ने की है, उनको उनके साथ जो खराब बर्ताव किया है, उनके साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट की है उन्होंने, इसके कारण मुसलमानों के मन में गुस्सा था। तो CAA, NRC के कारण ये सारा गुस्सा बाहर आ गया है, रास्ते पर आ गई है। लेकिन मुसलमानों में सिर्फ पुरुष नहीं है, मुस्लिम महिलाएं इसमें बड़ी बड़ी तादाद में हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं को मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने एक मुसलमानों का बहुत बड़ा मोर्चा मुंबई में देखा था, जब सलमान रश्दी की किताब आई थी सटैनिक वर्सेस, उसको बंद करने के लिए मुसलमानों ने मोर्चा निकाला था। उसमें कम से कम 1-2 लाख लोग थे, वो मोर्चा मैंने देखा था। लेकिन उसके बाद वो मोर्चा भी देखो, सलमान रश्दी ने हमारे पैगंबर का अपमान किया इसलिए था। लेकिन इसमें आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें कोई धर्म के लिए नहीं रास्ते पर आया है। मुसलमान नहीं आए, हिंदू नहीं आए, दलित नहीं आए, आदिवासी नहीं आए। इसमें दलित भी बड़ी संख्या में है, आदिवासियों ने भी विरोध किया है NRC को और CAA को। लेकिन ये सारे लोग, मुझे अलगपन इसका ये लगता है, एक तो समाज के सारे वर्ग के लोग हैं, इसमें मुसलमान बड़ी तादाद में है और मुझे बहुत खुशी है कि मुसलमान रास्ते पर आए, लेकिन धर्म के लिए नहीं आए।
ये अपना संविधान बचाने के लिए रास्ते पर आए। आज तक इस देश में आज़ादी के बाद के 70 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि देश बचाने के लिए लोग रास्ते पर आए। देखो, इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी के वक्त संविधान पर हमला किया था, लेकिन इस प्रकार का आंदोलन नहीं हुआ था क्योंकि सारे के सारे नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता जेल में बंद थे। जो आंदोलन हुआ था वो भूमिगत था, इन कार्यकर्ताओं की भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन आज हमारे संविधान को बचाने के लिए सारे लोग रास्ते पर आए हैं। मुझे इस पूरे आंदोलन में जो अनोखापन लगता है वो ये है कि एक तो ये आंदोलन अहिंसक है और संविधान को बचाने के लिए आम जनता रास्ते पर आई है। देखो, 200 से ज़्यादा प्रदर्शन हुए इस आंदोलन ने। जो रिपोर्ट आए उससे उसमें बताया है 200 से ज़्यादा प्रदर्शन पूरे भारत भर में हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, फिर साउथ में हुआ है, नॉर्थ में हुआ है। इसमें हिंसा कहाँ हुई? हिंसा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई, थोड़ी सी पश्चिम बंगाल में हुई, बाकी सारे राज्यों में जो आंदोलन हुए वो पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन थे, नॉन वायलेंट आंदोलन थे। ये जो आंदोलक थे उन्होंने हाथों में गांधी जी की तस्वीर ली थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर ली थी, तो इसके पीछे उनके विचार जो है वो दिखाई देते हैं। हम हिंसा करना नहीं चाहते, हम संविधान के रास्ते से चलना चाहते, ये सारे लोग बता रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई, कोई भी हिंसा करे किसी भी आंदोलन में, तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसका निषेध करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो हिंसा हुई वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में ही क्यों हुई, यानी जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उसमें ही क्यों हुई? देखिए, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है, वहाँ कुछ लोगों को पथराव करते हुए पकड़ा गया। ये लोग कौन थे? पुलिस ने जब तहकीकात की तो ये पता चला कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। इन्होंने स्कल कैप पहनी थी और ये अपने मुंह को ढक के वो पथराव कर रहे थे, इनको पुलिस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, पथराव करने वाले लोग कौन थे? कुछ लोग तो पुलिस के लिए ही पथराव कर रहे थे आंदोलकों पर। तो जो सचमुच के आंदोलक थे वो उत्तर प्रदेश में भी हिंसक नहीं हुए। मेरा ये शक है और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जिन्होंने हिंसा की क्या वो सरकारी दलाल थे, सरकार के एजेंट थे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जिन्होंने हिंसा की वो लोग मास्क थे, उन्होंने अपने चेहरे पर फड़का बंधा हुआ था और वो चेहरा ढक के ये सारी हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। पुलिस ने वहाँ कई जगह फायरिंग किया, जिनको पकड़ा उनमें से कई लोगों को बेल मिली है और कोर्ट ने अपने बेल ऑर्डर में कहा है कि इन लोगों के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। तो पुलिस ने गलत लोगों को पकड़ा, जो पथराव करने वाले थे उनको नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा, मेरा ये सवाल है। आपको अगर मालूम है पथराव कौन कर रहा था तो उसको क्यों नहीं पकड़ा? मेरा ये सवाल है सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्या आप इन गुंडों का समर्थन करते थे इसलिए आपने उनको पकड़ा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई उसके पीछे भी कई सारे सवाल है। ये हिंसा CA NRC विरोधकों ने की है, आंदोलकों ने की है, ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। लेकिन आम तौर पर पूरे देश में जो आंदोलन हुआ, कल भिवंडी में बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ा मोर्चा निकला, शोलापुर में हुआ, कई जगह हुआ, लातूर में अभी आंदोलन हो रहा है, फिर आप देखो दिल्ली में शाहीन बाग का जो आंदोलन है, पिछले पूरे महीने भर शाहीन बाग ने किसी ने हिंसा की नहीं है। शाहीन बाग की औरतों को बदनाम करने की इतनी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके मोदी जी के भक्तों ने या फिर IT सेल ने। शाहीन बाग की बिकाऊ औरतें, ऐसा एक ट्रेंड भी चलाया गया, शाहीन बाग का सच, ऐसा ही एक ट्रेंड उनके खिलाफ चलाया गया और एक आरोप लगाया गया, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि ये जो औरतें बैठी है शाहीन बाग की, इनको पैसे दिए गए हैं। इसमें कोई सच नहीं था। इन औरतों ने ये सारे आरोप जो है उनको सही सही जवाब दिया और प्रधानमंत्री को कहा अगर आप हमारे साथ
चर्चा करना चाहते हैं तो आप आइए, चर्चा कीजिए या आपका प्रतिनिधि भेजिए। तो शाहीन बाग जो है, मुझे लगता है इस आंदोलन का एक प्रातिनिधिक रूप है। और शाहीन बाग से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में आप देखिए, या फिर पटना में देखिए, प्रयागराज में देखिए, फिर बनारस में देखिए, लखनऊ में देखिए, अभी इस तरह के परमानेंट धरने हर जगह शुरू हुए हैं। पुणे में भी, कोंडवा में इस तरह का, नांदेड़ में भी चालू है, नांदेड़ में भी चालू है। तो शाहीन बाग से प्रेरणा लेगी तो शाहीन बाग क्या रिप्रेजेंट करता है? शाहीन बाग दिखाता है कि सरकार ने हमारे ऊपर अन्याय किया है, सरकार ने हमारे मन में एक भय पैदा किया है, इसका हम सामना करना चाहते हैं। शाहीन बाग में देखो, छोटी बच्ची से लेकर 90 साल की बुढ़ी औरत तक सारे वहाँ बैठे हैं, वही खाना खाते हैं, वही सोते हैं। सारे दिल्ली वाले आकर उनको मिलते हैं। जब पुलिस कोर्ट में गई तो कोर्ट में भी कहा हम कोई ऑर्डर नहीं देंगे, पुलिस को कोर्ट ने कहा आप उनको मनाइए और रास्ते से हटने के लिए कहिए। लेकिन इन सारी औरतों का डिटर्मिनेशन इतना है कि वो आज भी हटने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है इस तरह का आंदोलन मैंने देखा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इस आंदोलन का नेतृत्व शाहीन बाग में महिलाएं कर रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि गांधी जी ने कहा था जब तक आज़ादी के आंदोलन में महिलाएं नहीं आती तब तक ये आंदोलन हर घर तक नहीं पहुँचेगा। तो CAA NPR NRC विरोधी जो आंदोलन है वो हर घर में पहुंचा है क्योंकि इसमें महिलाएं शामिल हैं।